नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों, RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक के न्यू सेविंग अकाउंट ओपन करने, इसके अति न्यू क्रेडिट कार्ड जारी करने पर 24 अप्रैल 2024 से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि अब कोटक महिंद्रा बैंक कोई भी न्यू क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकती। साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक में जो आप लोग जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट या फिर कोई अदर सेविंग अकाउंट ओपन करते हो ना, वो आप लोग ओपन नहीं कर सकते। तो अभी हम आ चुके हैं RBI के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे 24 अप्रैल 2024 का ये सर्कुलर आया हुआ, इसको आप लोग भी RBI के ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर पूरा रीड कर सकते हो। फिलहाल मैं आप लोग को बिल्कुल ही शॉर्ट में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप लोग को इजीएस्ट लैंग्वेज में समझ में आ जाए। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि टू सीज एंड डेसिस्ट विथ इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स थ्रू इट्स ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग चैनल। ठीक, यानी कि आप लोग इसके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जो कि कोटक 811 आता है, उसके थ्रू जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करते हो या फिर कोई अदर सा सेविंग अकाउंट ओपन करते हो, वो आप लोग ओपन नहीं कर सकते। ऑनलाइन अगर आप लोग वेबसाइट से भी ओपन करते हो तो भी आप लोग अब ओपन नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप लोग न्यू क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो तो वो भी आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया, द बैंक सेल हाउएवर कंटिन्यू टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स एग्जिस्टिंग कस्टमर इंक्लूडिंग इट्स क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स। यानी कि भाई, जैसे ही ऐसा कुछ प्रतिबंध किसी भी बैंक या फिर किसी भी बैंकिंग एप्लीकेशन या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एप्लीकेशन पे लगता है, वैसे तुरंत के तुरंत चारों तरफ से अफवाह फैलती है कि क्या वो बैंक बंद हो जाएगा या फिर ये सर्विसेज हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी, या फिर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है यानी कि जो जिनका पहले से कोटक महिंद्रा बैंक में सेविंग अकाउंट है या फिर जिनके पास कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उनका क्या होगा। तो देखिए, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो लोग भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का सेक्शन हो या फिर सेविंग अकाउंट का हो, वो पहले की तरह ही चलता रहेगा। जैसे आप लोग पहले यूज करते आ रहे हो, वैसे आप लोग अभी भी 24 अप्रैल 2024 के बाद भी आप लोग यूज करते रहोगे, उसमें कोई भी परेशानी या फिर दिक्कत नहीं आने वाली है। बस नए कस्टमर नहीं जोड़ सकती कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड में या फिर सेविंग अकाउंट में। ठीक है, और इसके पीछे जो रीजन बताया गया, यानी कि इस बैन के पीछे जो रीजन बताया गया, वो ये है कि आईटी एग्जामिनेशन, यानी कि हर साल सभी बैंकों को आईटी एग्जामिनेशन रूल फॉलो करना होता है, एग्जाम देना होता है। तो उस आईटी एग्जामिनेशन में जो कोटक महिंद्रा बैंक है ना, वो लगातार 2022 और 2023 में फेल रही है, जिसके कारण ये प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही RBI ने यहाँ पे ये भी बताया है कि डाटा रिस्क एंड डाटा मैनेजमेंट, साथ ही डाटा लीक के कारण ये प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि भाई, कोटक महिंद्रा बैंक आप लोग देख रहे होंगे कि प्रेजेंट टाइम में बहुत ही धड़ल्ले से ऐड चला रही है, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का हो या फिर क्रेडिट कार्ड, धड़ल्ले से मतलब बांट रही है, लेकिन जो उनका मैनेजमेंट है, डाटा मैनेजमेंट, वो सही से वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण कस्टमर्स का जो डाटा है ना, वो रिस्क पे चला जा रहा है, वो लीक होने की संभावना बढ़ जा रही है, जिसके कारण ये प्रतिबंध लगाया गया है। अब काफ़ी सारे लोग ये भी पूछेंगे कि ये प्रतिबंध कब तक लगा रहेगा। तो देखिए, अभी पूरा सर्कुलर मैंने पढ़ डाला है, यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं बताई गई है कि ये सर्कुलर ये प्रतिबंध यानी कि ये बैन कब खत्म होगा। हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे ही कोटक महिंद्रा बैंक जो जिन चीज़ों के कारण ये प्रतिबंध लगाया गया, वैसे वो चीज़ें सुधार करती है, वैसे ये प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। इससे बैंक पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही एग्जिस्टिंग कस्टमर पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग जरूर ख्याल रखना। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना सा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग एटलीस्ट एक लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। जो लोग भी फ्यूचर में कोटक महिंद्रा बैंक में न्यू सेविंग अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हों या फिर क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हों या फिर जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उनको भी आप शेयर करना, क्योंकि ऐसी जब न्यूज आती है ना तो अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती है। तो आप लोग सही न्यूज शेयर जरूर करना, कोई अफवाह फैला रहा है तो आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि एक सही न्यूज़ को आप लोग फैलाएं। ठीक है, बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो इसी तरह की बैंकिंग अपडेट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।